नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम गोलगप्पे के पानी की रेसिपी बनाएंगे। तो ये बहुत ही इजीली बन जाता है घर में ही, तो अच्छा है आप घर में ही बनाएं बाहर का लेने के बजाय। तो फ्रेश पुदीना और फ्रेश धनिया से इसे हम बनाएंगे, तो आइए बनाते हैं इसे। तो इसके लिए देखिए, मैंने 2 से 3 ये हरी मिर्च ली है, 2 मुट्ठी पुदीना लिया है और 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया। इन सबको आप अच्छे से धो लें और काट लें। मिर्च का तीखापन अपने टेस्ट से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन्हें एक ब्लेंडर जार में डालेंगे। 1 चम्मच नमक लिया है यहाँ, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर लेंगे हम, 1/2 चम्मच यहाँ काला नमक लिया है और खट्टे को बैलेंस करने के लिए 1 चम्मच चीनी है यहाँ, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लेंगे और 3-4 आप लौंग ज़रूर लें, इससे बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आएगा पानी में। तो ये देखिए, मैंने थोड़ी सी इमली को गर्म पानी में भिगोया था और उसका इस तरह से पानी बना लिया, उसे छान लिया है। तो आपको कितना खट्टा खाना उसके अकॉर्डिंग आपको ये पानी डालना है। तो इसमें अभी हम थोड़ा ही पानी डालेंगे ताकि कम पानी में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसका हमें बहुत ही महीन पेस्ट बनाना है, तो इमली का पानी आप अपने टेस्ट से डालें, बाकी हम बाद में मिला लेंगे। तो अभी इसे हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट करना है। ये देखिए, बहुत अच्छे से ये पिस गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, ये इमली का पानी डाला है मैंने और खट्टा करने के लिए, और अब ये नॉर्मल पानी डालेंगे। इतनी इमली और इतने धनिए से लगभग 1.5 से 2 लीटर आपका इमली का पानी तैयार हो जाएगा बनके, गोलगप्पे का खट्टा वाला। तो इसे देखिए, हम इस तरह से छान लेंगे। तो आप अच्छे से छाने, और जो छानने के बाद जो वेस्ट बचता है, इसको आप जो गोलगप्पे के लिए आप आलू बनाएंगे, आलू का मसाला उसमें मिला ले, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा आपका। तो इसे आप रख लें साइड में और इस तरह काम ले सकते हैं। तो ये देखिए, पानी अभी थोड़ा गाढ़ा है, इसमें हमें और पानी मिलाना पड़ेगा। तो इसमें 1 से 1.5 लीटर आप पानी मिलाइए ठंडा ठंडा, और आपका ये गोलगप्पे का पानी बनकर तैयार है। इसमें आप थोड़ी बूंदी डालिए, बर्फ़ डालिए और गोलगप्पे के साथ खाइए। ये बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल मार्केट जैसा है। तो आप बनाइए इसे, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें।